प्रभु ये सब कृष्णा ने किया है। कृष्णा भी ना आज तक टो और ठो में अंतर नहीं समझ पाए। ठीक है आरुषि, आज के दिन हर साल लोग ना वैलेंटाइन दिन मनाते हैं। मतलब जौन जोड़ा एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है ना, उन्हें साथ में उत्सव मनाते हैं, है ना? मनाते तो हैं। तो हम का सोच रहे थे कि तुम ना अपने मरद से बोलो और हम ना अपने मरद से बोलते और हम ना चारों ना घूमने के लिए जाते हैं और ना फिल्म भी देख के आते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, अब शादी के 5 साल बाद काहे का वैलेंटाइन डे? ये सब तो नए जोड़े के लिए ठीक रहता है। अरे अब प्रेम में नया पुराना क्या होता है, अब शादी को 5 साल हो या 25, जौन जोड़ा साथ में है उनको तो मनाना ही चाहिए ना। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ना तुमका नंदोई जी से कोनो लाग लपेट ही ना है। तुमका नंदोई जी से प्रेम ना करती का? हैप्पी वैलेंटाइंस डे आरुषि। केक भी लाए, बैठो। खाओ। ए पियसिया। हाँ भैया। ए देख जिसमें पानी ठीक है कि नहीं, क्या और डाले? आई थे अब तनी बगल में हो भैया। का? अरे हमका बनाए दो ना खिचड़ी। अरे यार तुमसे जो कह रहे हैं ना वो करो, समझो ये बताओ ये का देख के पानी है क्या और डाले अभी? हाँ सही है पानी, बाकी आप हमका काहे नहीं बनाए दे रहे हो? आपका हमरे ऊपर भरोसा नहीं है का? अरे यार तुम ना दिल पे नहीं ले बात को, समझो आज का है दिन ना थोड़ा स्पेशल है। हम जो है अपने बाबू खातिर बनाए रहे हैं स्पेशल दिन में। हाय राम, ये कौन सा दिन है जोने में पति अपनी बीवी के लिए खिचड़ी बनावत है? मैं तुम ना ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालो, समझो जितना कहे ना उतना करो। तुम जाओ जाओ, जाके मौसमी छीलो, हम जूस बनाना पति के खातिर। ठीक है भैया। हमारे घर का बाबा अपने हाथ से ना अपना बंस घोड़ा है, इतना कर्म कांड किए उसके लिए वो सब व्यर्थ करके अपनी मेहरारू की जी हुजूरी में लगा है। हम तो सोचा रहे कि बाबा के बाल बच्चा हुई तो हम उसका खिलाबे अपने हाथ से नहीं लाबे, लेकिन अब लागत है कि हमार सपना कभी पूरा नहीं। ए नंती लाल, चिंता न करो, तुम्हार सपना पूरा होएगा, तुम अपन पड़पोता खिलाए जाओ, समझो कि नहीं? पूछो कैसे? कैसे सज्जन? बबुआ की दूसरी शादी कर देंगे बस।